इसलिए मेडल मिला है, क्योंकि मैं बहुत सारा कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया हूँ और उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, कैसे कैसे कॉम्पिटिशन किए हैं आप? जैसे कि मैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद इब्राहिम काजिम, आई एम स्टडीइंग फर्स्ट स्टैंडर्ड, माय स्कूल नेम इज विजया भारती पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉय, लीगो इज माय फेवरेट। जहां बुरा भाग घटाना से लोग भागते हैं, वही एक ऐसा लाल है जो कमाल दिखाता है। ये सर्टिफिकेट बयां कर रहा है कि मैथ, जैसे ही मैथ का नाम आता है तो ये माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन एक कैसा बेटा है जो अलग इतिहास लिखने के लिए बेताब है। एक कैसा लड़का है जो आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट बयां करती है कि हर एक मैथ में लोग कहते हैं ना कि गुणा गणित बहुत लगाते हो, वही गुणा गणित आज जिंदगी बना दिया। सब गणित मुझे यहां से आकर स्टडी किया के बारे पता किया तो मुझे ये लगा कि लॉकडाउन, जहां लोग लॉकडाउन से कहते हैं कि लॉकडाउन हमें मार लेगी, लेकिन लॉकडाउन ऐसे भी करता ही नहीं चला। आज हमारे बीच में है इब्राहिम, नाम भी गजब का है। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं और आगे आपको फिर बताते हैं और उनसे क्वेश्चन भी करते हैं कि हकीकत में मैथ वाले बाबा हैं कि फिर वही है। नाम है, क्या नाम हुआ आपका? नाम, व्हाट इज योर नेम? मोहम्मद इब्राहिम काजिम। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम काजिम जी, इब्राहिम जी ये हमें बताइए, आप जो ये गले में जितने मेडल लिए हैं, किस लिए मेडल मिला है? क्योंकि मैं बहुत सारा कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया हूँ और उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, कैसे कैसे कॉम्पिटिशन किए हैं आप? जैसे कि मैंने स्टोरी टेलिंग किया है और एक स्पेल भी, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स और एक है स्पीच और उस और एक है, चलिए यहाँ पे है, यही है ना, टेबल पे है, ठीक है ना, डॉजिंग टेबल, डॉजिंग टेबल। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से सर्टिफिकेट है, और बच्चा हमेशा जब स्कूल में फर्स्ट आता है तो ऐसे सर्टिफिकेट उसे मिलता है, लेकिन ये बच्चा अब जाएगा, इनके लिए एक रास्ता होना चाहिए, इनको बताना चाहिए, आखिर बताएगा कौन? हम आपसे सवालात करें है? अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी फर्स्ट में पढ़ते हैं, फर्स्ट में पढ़ते हैं, आप कितने कितने तक के बच्चों को पढ़ा देंगे? अच्छा, मैथ पढ़ा देंगे पूरा, थर्ड का अगर मैथ दे जाए तो पढ़ा देंगे। अच्छा, मैथ कैसे समझ आया कि मुझे मैथ ही पढ़ना चाहिए? क्योंकि मैं मुझे पता चला एक दिन कि मेरे मामू जान भी मैथ में बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा, तो आप भी मैथ में बहुत काफी कंपटीशन कर लिए हैं, आप भी तो एक्सपर्ट है, आप कौन सा है? तो मामू को भी कंपटीशन में फेल कर देंगे? फेल कर देंगे कि नहीं? तेरे की सलाम है ऐसे बच्चों को जो मामू को भी फेल कर देगा कंपटीशन में, वो भी मैथ के, जहां मैथ में माथा चकराने लगता है वहां पे इब्राहिम जैसे लोग मैथ में मामू को भी पटक डालेंगे, क्या इब्राहिम? अच्छा लगा, तो हम लोग सवाल पे चलते हैं ना, सवाल करते हैं आपसे, अगर दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि 27 प्लस 57, ठीक है, 84 कंफर्म हो? आप लेकर बैठ जाइए कलम और कापी, गलत होगा तो आप कमेंट बताइएगा और डन करके हमको निश्चित बताइएगा कि हकीकत क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं, मल्टीप्लाई जानते हैं ना, है मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई से डरते नहीं तो हम लोग चलते हैं मल्टीप्लाई से करवाते हैं कि हकीकत क्या है। अगर 34 मल्टीप्लाई 5 हो तो कितना होगा? 170। आप देख लीजिएगा, और इस तरह से बच्चे को जैसे हाथ में कैलकुलेटर नहीं ना है, जादू वाला कैलकुलेटर है,
आप रेनबो बॉय नहीं ना हो? रेनबो बॉय नहीं ना हो? नहीं, नहीं। कौन हो? जूनियर जी हो? आप देख रहे हैं बच्चा जैसे ही आप सवाल करेंगे फिर से बताओ, आप बताओ मुझे 77 प्लस 22 कितना होगा? 77 22 = 99। वाह, आप देख रहे हैं इस तरह से। आप भी अगर आपके मन में सवाल चलता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का जवाब इब्राहिम निश्चित रूप से देंगे और बताएंगे भी कि हकीकत क्या है। आपको अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्पीकिंग देखा जाए, स्पीच आपकी देख लिया जाए, तो स्पीच आप किस पे कर लेते हैं? कोई भी कर लेते हैं। चलिए अगर आप मान लीजिए आपको स्पीच देना है स्कूल पे, स्कूल पे स्पीच कर लेते हैं, स्कूल से ही शुरुआत करते हैं, तो स्कूल पे स्पीच आप देते हैं इंग्लिश में? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद इब्राहिम काजिम, आई एम स्टडीइंग फर्स्ट स्टैंडर्ड, माय स्कूल नेम इज विद्या भारती पब्लिक स्कूल, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉय, लीगो इज माय फेवरेट टॉय, आई हैव लॉट्स ऑफ कलरफुल लीगो, इट हैव मेनी डिफरेंट शेप्स, वी कैन मेक एनीथिंग लाइक कार, बाइक, बोट, हाउस, प्लेन, लीगो इंक्रीज क्रिएटिव थिंकिंग, लीगो इंक्रीज क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर, आई ऑलवेज क्रिएट डिफरेंट थिंग्स एंड शो टू माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो प्ले लीगो विद मी, आई लव टू कलेक्ट मोर एंड मोर लीगोस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वाह, आप देख रहे हैं हिंदी में अगर किसी से कह दिया जाए तो हिंदी में लोग नहीं कर पाते हैं, अगर स्कूल पे कह दिया जाए कि आप स्कूल पे निबंध लिख के दिखाइए ना, लिखने कलम उठाते ही हाथ कांपने लगता है। लेकिन ये महज फर्स्ट एक में पढ़ने वाला बच्चा इतनी धड़ल्ले से इंग्लिश बोलता है और धड़ल्ले से किसी पे स्पीच करवा लीजिए। दूसरा स्पीच हम लोग सुन लेते हैं, मान गया कि रटन था, कोई दूसरा स्पीच भी कर लेते हैं, दूसरा स्पीच आप करके दिखाओ। मैंने अब तक एक ही स्पीच, अच्छा लोटस पे करके दिखा दो। आई एम लोटस, आई हैव पिंक फ्लावर्स, आई लाइक लोटस फ्लावर, इट हैज सो ब्यूटीफुल स्मेल। डरना नहीं बेटा, एकदम फ्री माइंड होके बताओ। थोड़ा सा आप लोग अन्यथा में ना लीजिएगा, बच्चा है, बच्चा अपने माँ बाप के सामने तो कुछ कह लेता है लेकिन गैर के सामने का ना, इसको आप लोग अन्यथा में कभी ना लीजिएगा। बच्चा सलाम योग्य है, इसकी प्रतिभा को हम लोग और उछालेंगे ताकि ये आगे जाए और कुछ करे। अगर देखा जाए, कह दिया जाए आपसे, कह दिया जाए कि जो बच्चे आपके साथ जो दोस्त बच्चे होंगे ना, फ्रेंड है ना आपके, हाँ। है? तो वो भी आपकी तरह है? नहीं। क्यों? उन लोग बस अभी जो जिस में पढ़ रहे हो फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही पढ़ रहे हो। हाँ, अरे वाह, अगर देख रहे हैं। अच्छा टेबल आपको कितना याद है? कुछ भी कुछ नहीं। अरे आप कितना याद है? हम तो फेल हो गए आपके सामने, हमको तो पते नहीं है क्या पूछें आपसे, आपको कितना याद है बताइए। आप पूछिए भैया, देख रहा है अभी कह रहा है हम ही को सवाल कर देना कि हमारे तो समझ में नहीं, हम क्या पूछें इनसे। टेबल क्या है? टेबल क्या है? अच्छा हमें टेबल सुना दो, 7 का टेबल याद है? आप देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो इनके हिसाब से बहुत काफ़ी इनको टेबल याद है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब किसी बच्चे को हताश नहीं करना है, उसे पढ़ाना है और जोर देना है। क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते?
क्यों साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि मुझे नासा में जाना है। नासा में जाना है? हाँ। इसीलिए मैथ ले लिया ना। हाँ। है? नासा में जाके क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? रॉकेट। रॉकेट बनाओगे? अरे कौन बता दिया कि रॉकेट बनाना है? मैंने एक मूवी देखा था। वाह, मूवी देखे थे? कौन सी मूवी देखे थे? मिशन मंगल। अच्छा, मिशन मंगल, तो उसमें रॉकेट बनाता है। तो आप भी रॉकेट बनाओगे। चलिए, शुभकामना है हमारी कि आप जाइए और अलग करिए। अब मैंने सुना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आप जाने वाले हैं। हाँ। है? कब जाएंगे? नेक्स्ट मंथ जाएंगे। और ऐसे ही सवाल किया जाएगा आपसे, हार नहीं ना मानेंगे? नहीं। अच्छा, और हिस्ट्री में आपको कुछ आता है? हिस्ट्री समझते हैं ना? हिस्ट्री नहीं समझते? चलिए ठीक है, मैथ के बच्चे हैं और इंग्लिश इनको बहुत अच्छी आती है, और मैथ मैथ अगर देखा जाए तो मैथ इनको आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट वाला बच्चा, वो भी इंग्लिश में, ओनली फॉर इंग्लिश में, अगर वो थर्ड क्लास के बच्चे को पढ़ा देता है तो बहुत बड़ा ब्रिलियंट बच्चा होगा। शुभकामना इस बच्चे के साथ। और आप देख रहे हैं कितने फराटे के साथ अगर कोई सवाल किया जाए तो उसका जवाब दे रहे हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चा इतना उनके माँ बाप ने उनमें कूट कूट के वो चीजें भर दी। और सबसे बड़ी चीज मैंने इनसे टीचर से मैंने जाना है कि मोबाइल से, आज के बच्चे अगर मोबाइल आप नहीं देंगे तो मार कर लेंगे, रोने लगेंगे। नहीं, बच्चा मोबाइल से बड़ा दूर है, मोबाइल से लगा नहीं है? नहीं। क्यों? मोबाइल में तो अच्छा अच्छा चीजें दिखता है। नहीं, क्योंकि ना हम लोग का माइंड ब्लॉक हो जाता है। वाओ, और मोबाइल क्या क्या मतलब हानि पहुंचा देता है, क्या कर देता है? क्या है प्रॉब्लम? उससे हम लोग का आई भी है ना, उसका बॉल अंदर यहाँ आ जाता है। सीख लेना चाहिए इस बच्चे से। हम जैसे ही उठते हैं ऐसा लगता है कि मोबाइल हमारे जिंदगी, आप अपने पत्नी को भूल जाएंगे, अपने बेटे को भूल जाएंगे कि कौन कहाँ गया, लेकिन जैसे ही अभी नींद में रहेंगे मोबाइल कहाँ। तो ये भी एक अलग संदेश दे रहे हैं इब्राहिम जी, सीखना चाहिए इब्राहिम से। मोबाइल में आप लगे रहते हैं दिन रात, क्या कर लेते हैं मोबाइल में, और अपने बच्चों को दूर रखें मोबाइल से। सही कर रहे हैं इब्राहिम से। मुझे भी एहसास हो रहा है कि नहीं, मोबाइल से जितना दूरी रखेंगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा, क्या इब्राहिम? हाँ। तो आप साइंटिस्ट बनोगे, शुभकामना हमारी है आपके साथ। और आप जाओ और अलग इतिहास लिखो। क्यों? फिर मैं आऊंगा आपका इंटरव्यू लेने, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर भी आऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी लगता होगा तो आप कमेंट करिएगा, कोई सवाल पूछेगा इब्राहिम उसका आंसर निश्चित देंगे। क्यों? आंसर देंगे ना? हाँ। कंफर्म ना? शायद मैं जो नहीं कर पाया हूं, आपको लगता होगा तो आप कमेंट करके इब्राहिम से पूछ सकते हैं, जो आपके मन में डाउट चल रहा है, जो आपके मन में सवाल चल रहा है, बेशक इब्राहिम से कमेंट करके आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों। ओके।